मैं वैसे एक लिस्ट भी निकाली फोर्ब्स की, जिसमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर कितने बिलीनियर हैं। आई कुड सी, मैं बताता हूँ आपको वो भी, कि 100 से ज्यादा बिलीनियर्स हैं इंडिया के अंदर, 100 से ज्यादा। इंडिया को ये कहा जाता है कि इंडिया इज ए ग्लोबल जो वैक्सीन की वो हब है, या ग्लोबल फार्मेसी कहा जाता है, बिकॉज इनको वैक्सीन वहां पे, बल्कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वैक्सीन जो आती हैं, कहा जाता है कि 60% ज्यादा जो वैक्सीन हैं वो इंडिया से आती हैं। वेरी शॉकिंग टू सी के जो चाइनीज हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं एज कंपेयर टू द इंडियन बिलियनर्स। और मैं देख रहा था कि जो मुकेश अंबानी हैं इंडिया के, जो के ऑयल टेलीकॉम के किंग समझे जाते हैं इंडिया के अंदर, रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा नाम है जो सुनने में मिलता है, वो जो है वो एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं और दुनिया में तकरीबन जो 12th richest man इन द वर्ल्ड, और उनकी जो नेट वर्थ है वो 85 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा क्रॉस कर गई है। और जस्ट दिस ईयर व्हेन कोविड वाज हिटिंग एवरीवन, तो उनकी जो वेल्थ है वो 11% ग्रो की है। और जो चाइनीज हैं वो क्यों पीछे रह गए हैं, इसको भी ऑब्वियसली समझते हैं। ये कहा जा रहा है कि जो चीनी बिजनेसमैन है वो पीछे क्यों रह गए हैं, उसकी वजह ये है कि चीनियों के अगेंस्ट क्रैकडाउन किया है चाइनीज गवर्नमेंट ने, और वो जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, और वो जो जो बड़े टेक लीडर्स हैं जैसे कि अली बाबा है, और उनके जो लीडर, उनके जो हेड थे अली बाबा के, जैक मा, अभी रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान में भी एक ई कॉमर्स कंपनी दराज के नाम से खरीदी है। और अली बाबा की जो जो नेटवर्थ है वो 2 बिलियन डॉलर का उनको नुकसान हुआ, उनको लूज किए हैं, बिकॉज कि वहां पे जो चीनी हुकूमत है उनके लिए चैलेंजेस क्रिएट कर रही है। इसी तरह इंडिया के एक और बिलीनियर हैं जिनका नाम है गौतम अदानी, और अदानी ग्रुप के जो हेड हैं, मैं वैसे एक लिस्ट भी निकाली फोर्ब्स की, जिसमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर कितने बिलीनियर हैं। आई कुड सी, मैं बताता हूँ आपको वो भी, कि 100 से ज्यादा बिलीनियर्स हैं इंडिया के अंदर, 100 से ज्यादा। लेकिन अगर आप जाएं इंडिया के जो बिलीनियर्स हैं उनकी लिस्ट पे जाएं, तो आपको पता चलता है कि मुकेश अंबानी जो है वो सबसे बड़े वहां पे अमीर आदमी है, और बड़ा नाम है उनका इंडिया के अंदर। इस तरह गौतम अदानी, जैसे मैंने बताया, वो उनकी जो बेसिक इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, और मैं भी थोड़ी देर पहले ब्लूमबर्ग में भी इनको देख रहा था कि वो जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर वो उनके उनका दिल है कि हम सप्लाई चेन पे कंट्रोल करें, जो भी इंडिया के अंदर चीजें आती हैं जाती हैं उसको, उस चीज को कंट्रोल करें। इसी तरह उनके जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो, उसके भी 74% स्टेक्स हैं। और जिसे ये कह लें कि रिन्यूएबल्स में बहुत बड़ी अदानी ग्रुप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो जो ग्लोबल इमेज है इंडिया का इन टर्म्स के, वो क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो जो ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ इंगेज हैं, तो उनको बहुत ज्यादा वेल रिसीव किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ तीसरे जो बड़े बिलीनियर हैं, हिज नेम इज शिव नदर। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वैसे तो मुकेश अंबानी ने भी रिसेंटली गूगल और फेसबुक के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। ये जो शिव नदर हैं, ही इनकी जो नेटवर्थ है दैट इज अराउंड 24 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, और जो बड़ी HCL टेक्नोलॉजीज और इस तरह की जो कंपनियां हैं उसके ये ओनर हैं। फिर एक और है दमानी साहब, जो जिनकी जो नेटवर्थ है वो 17 बिलियन डॉलर है, और ये भी इन्वेस्टमेंट्स सुपरमार्केट्स में ऑपरेट करते हैं, और डी मार्ट स्टोर्स वगैरह इनके हैं, तो बहुत बड़ा नाम है। इसी तरह उदय कोटक, मैं देख रहा था, ही इज वन मैन हु इज इन बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, और इनको कहा जाता है कि ही इज द रिचेस्ट बैंकर, जिन्होंने बैंक जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक का नाम आता है, और जिसको इन्होंने ओन करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। इसी तरह लक्ष्मी मित्तल जो है वो स्टील में बहुत बड़ा नाम है, मोर देन 15 बिलियन डॉलर तक का इनका बिजनेस है, इनकी जो नेटवर्थ है 15 बिलियन डॉलर। वैसे तो इनकी जो और भी बहुत जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स हैं,
लेकिन स्टील में इनका बड़ा नाम आता है। इसी तरह कुमार बिरला जो है, दिस इज व्हाट द फोर्ब्स मैगजीन टेल, और कुमार बिरला जो है इज मोर देन $13 बिलियन वर्थ। इसी तरह साइरस पूनावाला है, अगेन वैक्सीन की जब आती है, ये जब COVID-19 आया तो सबसे ज्यादा जो ये पूनावाला साहब का भी नाम आया, आई थिंक ही इज द सेम पूनावाला, और वैक्सीन पे इनका बड़ा नाम है, बट दैट पूनावाला इज अ डिफरेंट मे बी। या इसको जो सीरम ग्रुप के हेड थे पूनावाला, उसके ये सीईओ हैं और बड़ा नाम है। इस तरह दिलीप शंघवी मोर देन $11 बिलियन की, फिर अगेन फार्मास्यूटिकल। यही वजह है कि इंडिया को ये कहा जाता है कि इंडिया इज अ ग्लोबल जो वैक्सीन की वो हब है, या ग्लोबल फार्मेसी कहा जाता है, बिकॉज इनको वैक्सीन वहाँ पे, बल्कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वैक्सीन जो आती हैं, कहा जाता है कि 60% से ज्यादा जो वैक्सीन हैं वो इंडिया से आती हैं। इस तरह सुनील मित्तल एंड फैमिली है टेलीकॉम सेक्टर में, मोर देन $11 बिलियन का इनके बिजनेसेस हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 100 से ज्यादा लोग हैं इंडिया के अंदर वो बिजनेस में है, सॉरी बिजनेस में कह रहा हूँ, 100 ज्यादा जो लोग हैं वो बिलियनियर हैं। अच्छा, अब इसमें आके ये पता चलता है कि चाइनीज को, क्योंकि वहां पे जो सरकार है वो ट्रस्ट इश्यूज हैं और वो नहीं चाहते कि कोई भी मुल्क जो है, कोई भी बिजनेसमैन जो है वो अपनी मर्जी से फलता फूलता रहे और वो मुआशरे को या सोसाइटी को अपनी मर्जी से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे। इसलिए रिसेंटली देखा गया था जैकमा को जो है वो उन्होंने बहुत सारे लोग कहते हैं पकड़ लिया था, बहुत सारे लोग कहते हैं कस्टडी में ले लिया, और बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हैं जैकमा के हवाले से हुई। सो चाइना में ये जो ट्रस्ट इश्यूज हैं और वहां पे जो हुकूमत है वो ऑब्वियसली बिजनेसमैन को इस तरह लीड नहीं करने देती जिस तरह वो करना चाहते हैं। ऑन दी अदर हैंड आई वॉज जस्ट लुकिंग इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में लोग बिजनेस बिलीनियर तो हैं, लेकिन ये जो फील्ड्स हैं इन फील्ड्स में लोग बिलीनियर नहीं है, जिस तरह के टेलीकॉम है, फार्मास्यूटिकल है, या जिस तरह स्टील में आता है नाम, या बैंकिंग में जो सबसे बड़े पाकिस्तान के बिलीनियर का नाम लिया जाता है, ही इज नोन एज मलिक रियाज, बट ही इज नोन एज वेरी नोटोरियस मैन इन पाकिस्तान, बिकॉज उनको ऊपर केसेस बहुत ज्यादा है, उन्होंने लैंड ग्रैब की हुई है। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसकी जो उसके बारे में अगर कहा जाए तो उसको कैसीनो इकोनॉमी कहा जाता है। आई आस्क व्हाई दिस इज नोन एज अ कैसीनो इकोनॉमी, उन्होंने कहा वेयर डज द मनी प्रोड्यूसेस इन योर कंट्री, कहाँ पे पैसा पैदा होता है, क्या एक्सपोर्ट में पैसा पैदा होता है या किधर पैसा पैदा होता है। उन्होंने कहा दो तीन सेक्टर हैं जहां पे पैसा पाकिस्तान में पैदा होता है। वन इज प्रॉपर्टी, आपने 1 करोड़ का प्लॉट लिया तो वो 1.5 करोड़ का हो गया, या 1.25 करोड़ का हो गया, 2 करोड़ का हो गया, तो वहां पे पैसा जनरेट होता है। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में पैसा पैदा होता है, या फिर आपका रिटेल में पैसा पैदा होता है, रिटेल मार्केट में। तो तीनों को उन्होंने कहा दिस इज कैसीनो इकोनॉमी, प्रॉपर्टी की कोई पता नहीं चलता, ऊपर चली जाए नीचे, जैसे कोविड आया तो प्रॉपर्टी सब की सब नीचे आ गई, स्टॉक मार्केट का कोई पता नहीं है कि कब ऊपर जा रही है कब नीचे आ रही है, रिटेल का भी इसी तरह है। सो इट्स नॉट अ वेरी एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमी द वे इट शुड बी।